Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to complete this chapter as we have learnt half part till page number 2 in previous video of this chapter. Now, today, we are going to finish the second part and the chapter itself also. So in the first part of the video, we have read how this narrator or the writer of this chapter, Firdaus Kanga, went to meet Mr. Stephen Hawking. जब वो कैम्ब्रिज की विज़िट पे जाते हैं तो वहाँ से वो अपॉइंटमेंट ले करके और स्टीफन हॉकिंग के पास जाते हैं, उनसे बात विचार करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब ये विकलांगता जो है, डिसेबिलिटी जो है, वो कैसे उनको इफ़ेक्ट करता है, और इन सारी बातों के बारे में वो बात कर रहे होते हैं। उन्होंने साथ ही साथ हॉकिंग के दर्द को महसूस किया, कैसे वो अपनी आँखों को मतलब आँखों के ज़रिए जवाब देते थे और कंप्यूटर वॉइस जो होता था वो जवाब देता था उनके मतलब आवाज़ में, उनका आवाज़ बन के कंप्यूटर जो है जवाब देता था। नाउ विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट यस्टरडे। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल हियर, नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। सो लेट्स स्टार्ट। A lot of people seek to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that is not true myself. Are you often laughing inside? Now in this para, जो narrator हैं, जो लेखक हैं, writer हैं, Firdaus, वो बोलते हैं कि chronically, first of all, chronically means लंबे समय से, लंबे समय तक, है ना। तो राइटर सेज वो बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यह सत्य नहीं है, यह सच नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि डिसेबल्ड लोग बहुत लंबे मतलब बहुत समय से दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, ये सच नहीं है। तो क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आप अंदर से हंसते हो? क्या आप अंदर से हंस रहे हैं इस बात को सुन के? अबाउट 3 मिनट्स लेटर ही रिस्पॉन्डेड, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रनाइज मी एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक्स लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स इन योर वर्क। तो 3 मिनट के बाद जो स्टीफन हॉकिंग होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं और बोलते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मतलब उन्हें यह मनोरंजक लगता है, उन्हें हंसी आती है, उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट लगता है क्योंकि लोग उनके प्रति दयालु होते हैं, उनके प्रति मतलब कृपा दिखाते हैं, तो उनके ये थोड़ा सा मनोरंजक लगता है। फिर लेखक ने फिर से उनसे क्वेश्चन पूछा, क्या आपको मतलब मेरे जैसा व्यक्ति अगर कोई आके प्रश्न पूछता है, आपके काम में बाधा उत्पन्न करता है, तो कैसा लगता है आपको? अनवाइट फील होता है, गुस्सा आता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है। द आंसर फ्लैश्ड यस, देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बींग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड। तो जो उनको जवाब मिला स्टीफन हॉकिंग का वो था हाँ, और साथ ही साथ उनकी एक हल्की सी मुस्कान जो है चेहरे पर आती है, मतलब इट वॉज अ टीजिंग मोमेंट फॉर द राइटर, लेखक के लिए एक टीजिंग मोमेंट था क्योंकि एक स्टीफन का जो भावना था वो वन वे स्माइल में आया। वो एक्चुअली मतलब एक टीजिंग मतलब कह सकते हैं कि उनको चिढ़ाने वाला जवाब था कि हाँ मुझे ऐसे थोड़ा सा अनवाइड फील होता है, लेकिन फिर भी उनका जो स्माइल था उस स्माइल के बारे में लेखक बोलते हैं, द राइटर सेज फिरदौस, कि एक काफ़ी खूबसूरत व्यक्ति का चित्र अगर उन्होंने अगर पूरे वर्ल्ड में देखा होगा तो यह चित्र जो उनके आंखों के सामने अभी पेश हो रहा है, अभी जो सामने में दिख रहा है, वह चित्र जो है सबसे खूबसूरत व्यक्ति का चित्र है।
एट फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ हिम इज शॉकिंग बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़ पेपर हैव टर्न्ड थ्री डायमेंशनल. और जो ये पहला लुक उन्होंने हाँ जवाब देने के बाद एक जो लुक उन्होंने दिया वो सारे मतलब ऐसे उनको अचंभित कर रहा है जैसे कि एक स्टिल फोटोग्राफ जो उन्होंने मैगजीन्स में देखा था न्यूज़पेपर में देखा था वो एग्जैक्टली थ्री डायमेंशनल. थ्री डायमेंशनल मीन्स यू कैन से कि एक जो नो लाइट के माध्यम से हम किसी तस्वीर को किसी चीज़ का तस्वीर जो है हम दीवार पे दिखाते हैं उस तरीके का प्रतीत हो रहा था उनको. देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लंप द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट द वेस्टेड लेग्स यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट But you are shaken because you have seen something you have never thought could be seen. Now here torso का मतलब होता है upper part of the body. Here torso means upper part of the body, as you can see here. Guys, one more thing I would like to tell you कि you just go through the, new word meanings, new words and find out the word meaning, write down in the notebook. That will help you a lot. तो लेखक कहते हैं कि जब उनका हेड ट्विस्ट हुआ थोड़ा सा एक स्लंप मीन्स मंदी धीरे से स्लंप मीन्स धीरे से धीरे से उनका जब बॉडी पार्ट जो है थोड़ा सा मूवमेंट हुआ अपर पार्ट तो उस वक्त का जो वो यू नो मोमेंट था क्षण था वो काफ़ी उनके लिए अमेजिंग था. और अमेजिंग इसलिए था क्योंकि वो स्टीफन हॉकिंग को सामने से देख रहे थे एंड लॉट्स ऑफ पीपल यूज टू से कि उनका बॉडी पार्ट मूवमेंट नहीं होता है तो इट वाज नॉट लाइक कि कभी भी नहीं होता है. थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है हल्का फुल्का मूवमेंट होता था क्योंकि इट वाज पैरलाइज्ड था तो शिथिल हो गया था हल्का फुल्का कभी कभार किसी क्वेश्चन के जवाब में जो है उनको ये मूवमेंट दिख रहा था तो इसलिए वो अम्यूज्ड महसूस कर रहे थे अम्यूज्ड फील कर रहे थे. हियर ही हैज़ स्पोकन अबाउट कि उनका जो वेस्टेड लेग है वो भी किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था बट उनकी जो आँखें थी वो बहुत कुछ बोल रही थी. दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट वो कुछ ऐसा उनकी आँखें कुछ ऐसी बात बोल रही थी जो काफ़ी ह्यूज था और काफ़ी आवश्यक था उसको समझना उसको सुनना. इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलना चाह रहा है उनकी आँखें क्या बोलना चाह रहा है. बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन और आप जब इस मोमेंट को देखते हो तो आप अंदर से हिल जाते हो. क्यों? क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा और जो आपने सोचा नहीं था वो आज आप देख सकते हो आप देख रहे हो. बिफोर यू लाइक अ लटर्न हुज वॉल्स वॉज बॉर्न टू वॉर्न सो थिन यू ग्लिम्प्स ओनली द लाइट इन साइड इज द इनकैसडेंस ऑफ अ मैन. The body almost irrelevant exists only like a case made of shadows so that I, no believer in eternal souls, know that this is what each of us is, everything else an accessory. Now, incandescence means inner glow of the light. तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जैसे एक लालटेन जो होता है जिसका जो यू नो यू कैन से उसमें जो शीशा लगा होता है उसमें बहुत धूल जमा होता है और काफ़ी यू नो लाइक लालटेन गंदा दिख रहा होता है लेकिन उसके अंदर जो लाइट जल रहा होता है वो जो एक मध्यम मध्यम प्रकाश आता है उसको आप दूर से भी देख पाओगे. लालटेन हो सकता है कि आपको ना दिखे लेकिन उसके अंदर का जो लाइट चल रहा है मध्यम मध्यम सा वो आपको दिख जाता है. सो हियर द राइटर इज़ कंपेयरिंग द बॉडी एंड साउल वो जो एक फिजिकल अपीयरेंस इंसान का होता है उसके उसको कंपेयर किया जा रहा है कि शरीर जो है बिल्कुल लाचार है पैरालाइज्ड है बट उसके अंदर जो एक आत्मा है उसके अंदर जो एक सोच है बहुत सुंदर सा सोच है वो अभी भी दिख रहा है और वो दुनिया को एक आंतरिक चमक दे रहा है.
यह आपको महसूस कराता है कि शरीर अप्रासंगिक है और केवल छाया से बने मामलों में की तरह मौजूद होता है। नाउ लेखक यहाँ पे आत्माओं के बारे में भी बात करते हैं कि एक आत्मा जो है गैर आस्तिक बनाता है, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, आत्मा में और इस सब चीज़ में। लेकिन उनका यहाँ पे मानना है कि लेखक ये मानते हैं कि इंसान के अंदर का जो नॉलेज है, इंसान के अंदर की जो क्रिएटिविटी है, वो काफ़ी मायने रखती है, न कि उसका शरीर। एक्सेसरी मीन्स नॉट एसेंशियल बट एक्स्ट्रा दो डेकोरेटिव। शरीर जो है एक सिर्फ दिखावे का चीज़ है। नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई हैव आस्क्ड हिम अर्लियर। ना उनका जो अगला प्रश्न होता है स्टीफन हॉकिंग से, वो होता है कि आपको मतलब उन्होंने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था उनसे कि आप क्या सोचते हो डिसेबल्ड होने में सबसे अच्छा चीज़ क्या है। तो स्टीफन हॉकिंग का जवाब होता है, आई डोंट थिंक देर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। उन्होंने बोला कि डिसेबल्ड होने में कुछ भी अच्छा तो है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी अच्छा है। तो फिर लेखक बोलते हैं, राइटर सेज, फिरदौस कांगा बोलते हैं, आई थिंक यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देर इज़ इन द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगता है, फिरदौस कांगा बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप डिसेबल्ड होते हो तो आपको पता चलता है कि दुनिया में कितना काइंडनेस जो है बचा हुआ है, या कितना काइंडनेस है वो आपको पता चलता है। यस ही सेड। तो उनकी बातों से जो है स्टीफन हॉकिंग सहमत होते हैं, बोलते हैं हाँ, इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉयस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो रिफ्लेक्शन, नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. तो ये जब उनका हाँ जवाब आता है तो writer says कि जो synthesizer से जो हाँ वाला जवाब आया था वो सिर्फ हाँ बोला, लेकिन उनके अंदर का जो भावना, उसका जो टोन था, उसका जो शेड्स था, कितना मतलब कितनी खुशी के साथ में निकला, वो ये जो मशीन है वो बता नहीं पाया, वो समझा नहीं पाया। और इस हाँ को सुनने के बाद जो राइटर हैं फिरदौस कांगा, काफ़ी एनर्जेटिक फील महसूस करते हैं, क्योंकि ये पहला चीज़ था जिस पे वो अग्री होते हैं स्टीफन हॉकिंग राइटर के साथ में। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माय चेयर और टर्न माय रिस्ट टू वॉच द टाइम, आई वांटेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 मिनट्स काउंट। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सेलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी। नाउ जैसे जैसे बात उनकी आगे बढ़ रही थी, जो राइटर फिरदौस कांगा है अपने चेयर पे वो इधर से उधर थोड़ा रिलैक्स करने का कोशिश कर रहे थे, और जैसे ही वो रिलैक्स करते थे तो अपने कलाई पे बंधे हुए घड़ी को देखते थे, वो मिनट्स काउंट कर रहे थे कि उनका जो 30 मिनट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हर एक मिनट का जो है उनके लिए महत्व है, वो हर एक मिनट को यूटिलाइज करना चाहते थे। और अब जो है उनको काफ़ी यू नो रिलीफ महसूस हो रहा है, काफ़ी जिंदा दिली उनको अंदर से फील हो रहा है, उनका शरीर जो है काफ़ी फ्रेश लग रहा है। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन बियॉन्ड अ cliche for me and surely for others. Did that thought help me? Now cliche here means it's a phrase or idea used so often that is loses its meaning. ठीक है, तो यहाँ पे इस पैरा में जो राइटर है वो एक्चुअली इस बात को वो मतलब कह रहे हैं कि यह जो इशू है, यह जो क्षण है कि वो इस क्षण में वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनको ये मालूम है कि वो खड़े होकर के चल नहीं सकते, वो अच्छे से खड़े नहीं हो सकते, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है उनके लिए इस मोमेंट पे कोई मैटर नहीं करता है। और उन्होंने साथ में उनको ये भी बोला कि वो जो है स्टीफन हॉकिंग इनके लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं जिन्होंने मतलब इनसे इंस्पिरेशन लेकर के लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश की है।
सो डिड दैट थाट हेल्प मी, तो वो अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या यही सोच जो है मुझे मेरी मदद की है, मेरा हेल्प किया है। सो दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड फ्रॉम स्टीफन हॉकिंग, देन स्टीफन हॉकिंग रिप्लाइज नो, नहीं, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। जब वो जवाब देते हैं नहीं, तो इनको अपने उस क्वेश्चन पे काफ़ी नो थोड़ा सा संशय होता है, वो अपने आप को मूर्ख जैसा फील करते हैं क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा और उनको जवाब मिला ना। फिर योर बॉडी इज़ क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाई डे, इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विथ एडमायरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल। उनका एक जवाब होता है कि जब आपका बॉडी जो है एक क्लॉस्ट्रोफोबिक है, क्लॉस्ट्रोफोबिक मीन्स वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक कमरे में बंद हैं बहुत लंबे समय से और बंद ही रहते हैं, और आपका शरीर जो एक अस्थि पंजर का जो शरीर है धीरे 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 वो यू नो लाइक वॉल्स, यहाँ पे कहा गया कि द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, वो जो वॉल्स है दीवार जो उस कमरे का है वो धीरे धीरे नैरोअर होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। मतलब लोग सिर्फ इस बात को देख के एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, खुशी जताते हैं कि आप अभी तक जिंदा हो, राइट? तो ये एक ऐसा जवाब था जो उनको यू नो लाइक एडवाइस के टाइप पे था, एक यू नो लाइक उनके लिए शॉकिंग तो नहीं बोल सकते लेकिन एक एडवाइस के तौर पे था कि उन्होंने किसी की मदद नहीं की, सारे लोग अपने आप से मतलब करते हैं, हाँ एक इंस्पिरेशन ले करके करते हैं, एक अलग बात है। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर? तो उसके बाद उनका अगला जो प्रश्न होता है, क्या आप कोई ऐसा एडवाइस देना चाहोगे डिसेबल्ड लोगों को जो कि उनको उनकी लाइफ को बेटर बनाने में मदद कर सके? तो उनका जो आंसर होता, दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो उनका जवाब होता है कि हाँ, उनको उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं। और उन्होंने साथ में यह भी बोला कि उनको ऐसा लगता है कि डिसेबल्ड चीज़ को एक ओलंपिक के तरह यू नो यूज़ करना कि मैं डिसेबल्ड हूँ ठीक है तो मुझे ये प्रेफरेंस मिलना चाहिए, ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है, उसको ओलंपिक के तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। आई नो वॉट यू मीन। तो उनका जवाब होता है मतलब राइटर का, वो बोलते हैं कि मुझे अच्छी तरीके से पता है आप क्या कहना चाह रहे हो। आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज, एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। नाउ उनके बातों को सुनने के बाद वो बोलते हैं कि मुझे याद है कि यू नो बहुत साल पहले वो एक स्पेनिश गिटार को बजाने की कोशिश कर रहे थे जो कि उनके साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन उन्होंने एक दिन जब उस गिटार को एक रात बजाया, अच्छे से बजाया, तो उनको वो काफ़ी खुशी मिली, वो काफ़ी खुश हुए। तो दिस इज़ वॉट यू नो जिस चीज़ में वो अच्छे हैं उस चीज़ को वो कंटिन्यू करना चाहिए उनको, यही उनके लिए एक सीख थी। आई नो नाउ द हाफ आर वॉज अप, आई थिंक आई हैव अनवाइड यू एनफ, आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर नाउ। जब क्वेश्चन इनका ख़त्म होता है तो राइटर बोलते हैं कि मेरा आधे घंटे मुझे ऐसा लगता है कि ख़त्म हो चुका था, और उन्होंने साथ में बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा आपको अनवाय किया है, और उन्होंने साथ में खुशी व्यक्त की कि आपने जो समय दिया मुझे उसके लिए काफ़ी आपका धन्यवाद। तो उधर से उनका रिस्पांस मिलता है स्टीफन हॉकिंग का, स्टे, रुको, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन, तुम चाय वगैरह पियो, मैं तुम्हें गार्डन दिखाऊंगा। फिर वो उसको गार्डन में लेके जाते हैं फिरदौस कांगा को। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, उनका जो गार्डन था काफ़ी बड़ा था, पार्क के जैसा था, बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच रंबलिंग अलोंग इन हिज मोटराइज्ड व्हीलचेयर व्हाइल आई डॉज्ड टू कीप आउट ऑफ द वे। अब वो अपने जो मोटराइज्ड व्हीलचेयर था उस पर बैठ करके
स्टीफन हॉकिंग जो है इनको मतलब घुमाने लगते हैं पार्क को, गार्डन को, और थोड़ी दूरी बना करके इनसे, मतलब स्टीफन हॉकिंग के चेयर से, यू कैन सी हियर दिस इज़ फिरदौस कांगा, ये फिरदौस कांगा की तस्वीर है। तो उनसे दूरी बना करके घूम रहे थे, उनके बीच बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो सकती थी, वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, द सन मेड हिम साइलेंट, क्योंकि जो सूर्य का जो लाइट था, सन का जो लाइट आ रहा था, वो लेटर्स को अच्छे से इनको देखने में प्रॉब्लम कर रहा था, वो लेटर्स जो स्क्रीन पे आ रहा था वो उस सनलाइट की वजह से जो है अच्छे से देख नहीं पा रहे थे। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, 1 घंटे के बाद अब ये अलविदा कहने के लिए तैयार थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, वो उनको चूम भी नहीं सकते थे, उनके लिए रो भी नहीं सकते थे, आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इन टू समर इवनिंग, उन्होंने उनके कंधे पे सर रखा और उसके बाद वहाँ से उस शाम वहाँ से बाहर निकल आए, उनके निवास से, उनके घर से बाहर निकल आए, आई लुक बैक एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, उन्होंने वापस मुड़ के देखा, जब बाहर निकल के आ रहे थे तो उन्होंने वापस मुड़ के देखा, उनको ऐसा लगा कि वो अंदर से, मतलब अगर फिजिकली स्ट्रांग होते, फिजिकली उनका मूवमेंट होता, तो वो हाथ हिला करके उनको बाय बोल रहे होते, दो ही वॉज नॉट, चूँकि वो फिजिकली पैरलाइज थे तो वो ऐसा कर नहीं सकते थे। वॉचिंग हिम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, उनको देख करके अपने आप में एक ऐसा एम्बॉडीमेंट मीन्स अवतार, तो इनको ऐसा लग रहा था कि वो एक नया अवतार उन्होंने जन्म लिया, और वो काफ़ी खुद को मजबूत महसूस कर रहे थे, खुद को काफ़ी स्ट्रांग महसूस कर रहे थे। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मेनी ईयर्स अलोन, आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ। नाउ हियर राइटर सेज, फिरदौस बोलते हैं कि जैसे जैसे वो बाहर निकल रहे थे, तो उनको ये उनका जो विश्वास है कि जिस व्यक्ति से मिलने के लिए काफ़ी सालों तक उन्होंने कोशिश की, और वो उनसे मिले, उनको काफ़ी अच्छा लगा, अब उनसे मिलने का जो समय था वो ख़त्म हो चुका था, और अब आगे वो उनकी यादों के साथ में बस उनके बारे में कहानियाँ लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, नाउ द चैप्टर फिनिशेस हियर, ये स्टोरी ख़त्म होती है यहाँ पे, नाउ वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, मीन वाइल यू कैन डू द कॉम्प्रिहेंशन चेक एंड वी विल मीट विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस सेम चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरी वन।